बिहार में अभी तक आपने MBA ग्रेजुएट कैदी चाय वाला बेवफा चाय वाला का नाम तो सुना होगा, लेकिन नालंदा में इन दिनों एक मैट्रिक फेल चाय वाला काफ़ी सुर्खियों में है। दरअसल बिहार शरीफ मुख्यालय के नई सराय के रहने वाले राम रतन शर्मा के पुत्र पंकज शर्मा उर्फ शानू इन दिनों भराव पर स्थित अतिथि रेस्टोरेंट के पास एक मैट्रिक फेल चाय वाला के नाम से टी स्टॉल चला रहे हैं, जो काफ़ी मशहूर हो चुके हैं। यहाँ करीब ज़िले के दूर दराज इलाके से युवाओं की टोली चाय का चुस्की लेने नहीं भूलती। सोचे कि फेल किया ही है तो माइंड में कुछ नेम नहीं आ रहा था। अच्छा, फिर लगा कि चलो जो फेल किया उसी नाम से स्टार्टअप कर देते हैं। लोग डरते हैं कि फेलियर होने के बाद अब मतलब कि फेलियर लिखना गलत होता है, लेकिन हम सोचे कि चलो फेलियर होने के बाद फेलियर लिखना कैसे गलत होता है। मतलब बहुत लोगों से सुनते थे ऐसा कि ये सब गलत है, बहुत लोग एडवाइस भी दिए कि मैट्रिक फेल वाले मत लिखो, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम बोले कि नहीं, जो रियलिटी है वो रियलिटी को लिखना है। तो काफ़ी अच्छा पब्लिक का फीडबैक है। कितना चाय बना लेते हैं? 50 कभी 60, और न्यू ईयर के टाइम में तो समथिंग 70 लीटर चला गया था। 4 बजे से सिर्फ 4 बजे से 10 बजे तक। जब हमने इस संबंध में पंकज शर्मा उर्फ शानू से बात की तो उन्होंने बताया कि 2019 में उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था, जिसमें वो फेल हो गए, जिसके बाद पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से उनका इलाज चल रहा है और इलाज में काफ़ी कुछ खर्च हो चुका है, जिसकी जिम्मेदारी हम पे आ गई और भाई छोटे भाई की पढ़ाई के साथ घर की देख रेख करने लगे। तो इसका सिलसिला हमने एक छोटे से टी स्टॉल से शुरू किया, जिसका नाम मैट्रिक फेल चाय वाला रखा। जब से टी स्टॉल की शुरुआत की है, तब से बिहार शरीफ के लोगों का काफ़ी स्नेह मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। न्यूज़ 18 डिजिटल के लिए नालंदा से मोहम्मद महमूद आलम की रिपोर्ट। करीब हमें 1 महीना ज़्यादा ही हो गया। जी जी, लगभग 1.5 महीना से हम चाय पी रहे हैं। अच्छा, चाय टेस्टी रहता है, मार्केट से हट के है, टेस्टिंग का अलग तरह का अच्छा है।